हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे सिलावट में आपके लिए लेके आया हूँ आज पिलर डिज़ाइन। तो जो पिलर आपको वीडियो में दिख रहे वही पिलर हम आज बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये जो पिलर आप देख रहे हो, ये पिलर हम अभी बनाएंगे। इसका माल पूरा हम आपको बताएंगे कि जो हमने माल तैयार किया है, तो वो माल हमने किस तरीके से तैयार किया है। तो वीडियो के अंदर आप देखते रहिए, वीडियो के अंदर आप देखोगे पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा काम हमारा। तो ये जो पिलर आपको दिख रहे हैं, ये जो पिलर की साइज है, ये 1x1 के पिलर है, जैसे 12 इंच x12 इंच के ये पिलर है। तो ये माल हमने इसका पिलर के हिसाब से हमने तैयार कर लिया है। और जो कॉर्नर होता है पिलर का, उसके ऊपर हम ग्रुप लगाएंगे। पिलर के कॉर्नर के ऊपर हम ग्रुप लगाएंगे। तो वो ग्रुप कैसे लगाया जाता है, वो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। ये ग्रुप हमने मार दिया है, ग्रुप हमने 1 सेंटी का ग्रुप लिया है। ज़्यादा ग्रुप हमने नहीं लिया है, क्योंकि पिलर के अंदर हम बिल्कुल कम ग्रुप मारेंगे। तो क्योंकि ज़्यादा ग्रुप मारने से पिलर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने चारों कॉर्नर होते हैं जो पिलर के, उसके ऊपर हमने ग्रुप लिया है। जो बीच की जो डिज़ाइन है, वो आपको आगे वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो आप देखते ज़रूर रहिए। और ये जो माल हमने तैयार किया है, ये हमने ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर तैयार किया है। जो साउथ का जो ब्लैक ग्रेनाइट आता है, जड़ ब्लैक बोलते हैं हम, तो वो ग्रेनाइट से हम इसको बना रहे हैं। और ये जो लगाने से पहले हम पूरे जितना भी हमारा ग्रेनाइट का जो भी हमारा माल है, हम उसके ऊपर जो मार्बल का जो दाना आता है, वो दाना हम लगा देंगे। क्योंकि मार्बल का दाना लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब बाहर हमारा काम रहता है बाहर का, तो उसके ऊपर क्या होता है कि धूप पड़ती है, तो जब धूप पड़ती है तो पत्थर गर्म हो जाता है। और गर्म होने की वजह से हमारा जो ग्रेनाइट का जो पिलर है, जो हमारा जो ग्रेनाइट का पत्थर है, तो वो गिरने का डर ज़्यादा रहता है। तो कभी भी अगर आप भी पिलर बनाओ या बाहर कहीं भी ग्रेनाइट लगाओ आप एलिवेशन के अंदर, तो मार्बल वाला जो दाना आता है, ये दाना ज़रूर आप इस्तेमाल करें। और एडोडाइट के साथ इसे चिपका दें अच्छे तरीके से, फिर अगर आप इसे लगा दोगे, तो कभी भी आपका जो ग्रेनाइट का जो पत्थर है, जो डिज़ाइन है, वो कभी भी आपका गिरने का चांस नहीं रहेगा। इससे क्या होता है कि पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। और हम वैसे लगा देंगे डायरेक्टली, हम गिल्लू के साथ चिपका देंगे, तो एक बार तो अभी तो चिप जाएगा, फिर आगे चलकर जब भी धूप पड़ेगी इस पर गर्म होएगा, तो वो पूरा पिलर का हमारा गिर जाएगा पत्थर। तो ये जो माल देख सकते हो, हमने अलग अलग साइज़ का माल तैयार कर रखा है। जो हमारा जो पट्टी का जो डिज़ाइन है, वो हमने 4 इंच का डिज़ाइन रखा है, 10 सेंटी का। तो 10 सेंटी के अंदर हम जिसके इसके नीचे जो पट्टी लगाएंगे, वो हम 5 सेंटी की पट्टी लगाएंगे। 5 सेंटी की जो पट्टी होती है, वो हाई टाइल की, वो हम लगा देंगे। तो ये जो हमारा माल है, आप देख सकते हो, जो लंबाई हमारी पिलर की है, वो तो हमने आपको बता दी। हमारा जो पिलर है, वो 12x12 इंच का पिलर है। और जो ये ग्रुप देख रहे हो आप, ऐसा ग्रुप बन जाएगा, पिलर के कॉर्नर आएंगे, जो 4 कॉर्नर के ऊपर ऐसा ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप से अच्छा भी लगेगा हमारा पिलर। तो इसके ऊपर हम 2 इंच की वाइट पट्टी लगा देंगे। तो ये पट्टी आप देख सकते हो, हमने आधा जो पिलर होता है वो हमने तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, बहुत इजी बन जाता है ये। इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप हमारा वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लोगे, तो आपको सारा काम समझ में आ जाएगा। और जो हमने ये वाइट वाली पट्टी जो हमने लगाई है 5 सेंटी की, तो ये हमने डीप के अंदर हमने लगा दी है, क्योंकि जो हमारा ग्रेनाइट है उससे थोड़ी डीप हो जाएगी, तो बहुत अच्छी लगेगी ये वाइट पट्टी टाइल्स की। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हो, बहुत इजी लग जाता है ग्रेनाइट के, और लगने के बाद में ही बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। कि तो आप एक बार ऐसा पिलर अगर आप बना दोगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। अगर आपको और भी कोई अगर समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हम आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। आपका कोई भी सवाल है, तो हम उसे ज़रूर हमारा सुझाव देंगे। तो ये पिलर भी आप देख सकते हो, अभी हमने आधे पिलर तैयार किए हैं। तो अभी इसकी पूरी जो डिज़ाइन बन जाएगी, तो फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे इसका। तो वो वीडियो भी आप पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा काम समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको स्क्रीन पर ये वीडियो जो दिख रही है, इसे आप क्लिक करिए। ये भी हमारे टाइल मार्वल से जुड़ी हुई है दोस्तों।